बहू जी डिस्टर्ब देम, देख मम्मी पापा को। कौन कहेगा इन्हें देखकर, इनकी शादी को इतने साल हो गए। आओ। अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गए। मैंने तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहू जी को इंप्रेस करने के लिए वचन लेने का सोचा है। वचन? हमें भी बताइए कौन से वचन। यही कि हर हाल में मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा। धूप हो, छाव हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें, साये की तरह मैं हमेशा माधवी के साथ ही रहूंगा। एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगे ना मेरा साथ? कभी नहीं। बहुत शिकायतें रही है ना तुम्हें मुझसे, लेकिन अब एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं तुम्हें। वादा करता हूं इन आंखों में आंसुओं की जरा भी जगह नहीं रहेगी। अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहूंगी, दुख की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा मैं। आप साथ हो तो कैसा दुख। अरे देखो, मैं यहां जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा कर रहा था और यह है कि काम का बहाना बनाकर हाथ छुड़ा रही थी। एक मिनट, ये कौन सा वादा? ये जो भी डांस चल रहा था वो वाला वादा? हाँ, वो डांस करते करते। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो मां बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से। कि
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली, चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना। ठीक है, हम आते हैं।